हाय दोस्तों, कैसे हो? मज़े में? ना बस मज़े में ही हो गया। आज है मंगलवार 4 अक्टूबर, और आज फिर से अपन अपना ओला उबेर का नए दिन की शुरुआत करने के लिए निकल चुके हैं। अभी टाइम हो चुका है 12:45, यानी 12:45 हो चुका है, 1 बजने वाला है। मैं खाना वाना खा के निकला हूँ आज घर से। आज मंगलवार है, देखते हैं आज किधर की शुरुआत होती है। जो भी है मैं आपको लाइव अपडेट करने की कोशिश करूँगा, तो लगे रहिए वीडियो में। जो भी है मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, एक बुकिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो था ईसनपुर से प्रहलाद नगर के लिए था। कस्टमर ने मुझे 266 दिया, 266 रुपया दिया है। उसमें से मुझे जो भी मिला मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी मैं हूँ ये रमाड़ा होटल के पास में, प्रहलाद नगर SG हाईवे के पास में हूँ मैं। अभी फर्स्ट बुकिंग मुझे उबेर में आया था, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी देखते हैं दूसरा बुकिंग कहाँ का आता है। ओला उबेर दोनों डिवाइस ऑन है। अभी टाइम हो चुका है, दो बज चुके हैं अभी, तो देखते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं कोई बुकिंग का। जो भी है आगे का अपडेट मैं देता हूँ। दोस्तों, सेकंड बुकिंग भी कंप्लीट हो चुका है, वो तो प्रहलाद नगर से चांदखेड़ा के लिए था। कस्टमर ने 355 रुपया कुछ बिल बना है, तो वो कस्टमर ने पे किया है मुझे। अभी मैं चांदखेड़ा में हूँ। अभी CNG का 2 ही पॉइंट बचा है मेरे में। नज़दीक में यहाँ पे 1 किलोमीटर के आसपास CNG पंप है, तो जाके फटाफट गैस डलाता हूँ। उसके बाद देखते हैं, जो भी बुकिंग आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। दो बुकिंग तो कंप्लीट हो चुका है। लगे रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी आगे का अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, एक और बुकिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है, चांदखेड़ा से PDPU रोड गांधीनगर के लिए था। वो बुकिंग का 203 आया है मुझे, उबेर में आया था बुकिंग। अभी मैं PDPU कॉलेज के पास में बैठा हुआ हूँ, वेट करते हैं यहाँ पर बुकिंग का। देखते हैं जहाँ का भी आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। लगे रहिए वीडियो में। दोस्तों, सेकंड बुकिंग मुझे आ चुका है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में से। कस्टमर को पिकअप करके साबरमती छोड़ना है। ये है लॉ यूनिवर्सिटी। अभी मैं हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ, क्या पता कहाँ पे हॉस्टल। गलत रास्ते पे। ये है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हॉस्टल तो हॉस्टल ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। PG हॉस्टल एरिया। लग रही है वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको लास्ट अपडेट देता हूँ। जो भी है कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद में जो भी अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये हॉस्टल नहीं मिल रहा है, ये अंदर घूमिच घूम कर रहा है। दोस्तों, लास्ट अपडेट जो मैंने आपको दिया था, वहाँ से मुझे राइड आई थी साबरमती के लिए। साबरमती का कुछ पेमेंट आया था ऑनलाइन, जो कस्टमर ने मुझे ऑनलाइन पे किया था। उसके बाद साबरमती से मुझे दूसरी राइड आई थी घोड़ासर कैनाल के लिए, घोड़ासर के लिए। तो घोड़ासर, अभी मैं घोड़ासर कैनाल पे ही हूँ। कस्टमर को मैंने कर दिया है ड्रॉप, उसका पेमेंट 345 कुछ आया था। जो भी है मुझे मिला है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और अभी मैं घोड़ासर 4 रास्ते पे ही बैठा हूँ, तो देखते हैं यहाँ से जो भी अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तक का मेरा बिजनेस 1100 के आसपास कुछ हुआ है, और अभी टाइम हो चुका है 6:10। दोस्तों, जो मैंने लास्ट आपको अपडेट दिया था, उसके बाद मुझे एक पर्सनल बुकिंग है नारोल से लेके अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने का है, जो मैं पहले सिद्धिविनायक लेके गया था।
वही कस्टमर का कॉल आया मुझे, बोले 7:30 बजे, अभी 6 बज चुके हैं, 7:30 बजे बोले मुझे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलना है, 7:30 बजे आप आ जाना यहाँ पर नारोल श्रीराम रेसिडेंसी के पास में। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो अभी तो मैं अभी ओला और उबर दोनों डिवाइस कर रहा हूँ ऑफ, क्योंकि मेरा पर्सनल बुकिंग है 1 घंटे बाद, क्योंकि 1 घंटे में अभी मैं कहीं इधर इधर उधर बाहर निकल जाऊँगा, बाहर का ट्रिप आएगा तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ से रिटर्न खाली खाली मुझे आना पड़ेगा, इसीलिए अभी पर्सनल बुकिंग है। तो पर्सनल बुकिंग कंप्लीट करेंगे फिर अब जो भी है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उसका मुझे इतना पेमेंट मिला है। तो लगे रहिए वीडियो में, लास्ट अपडेट अभी देने का बाकी है। दोस्तों लास्ट अपडेट मैंने जो दिया था कस्टमर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने का था, मैं कस्टमर को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आ चुका हूँ। अभी टाइम हो चुका है 9:20 और मैं अपने घर सीधे जा रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर ने मुझे पेमेंट किया है 550 रुपया, मुझे कस्टमर ने पे किया है। दो कस्टमर को मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने का था और एक को रिटर्न लेके आने का था, क्योंकि वही कस्टमर था एयरपोर्ट छोड़ने गए थे उनके रिश्तेदार को। कस्टमर बाहर से आए थे, झारखंड से आए थे घूमने के लिए यहाँ पर, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था सिद्धि विनायक ले जाने का था, वही कस्टमर थे। मैं सिद्धि विनायक इनको ले गया था और उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था कि आप 1-2 दिन बाद मुझे एयरपोर्ट जाने का होगा तो आप मुझे ड्रॉप कर देना। तो मैंने नंबर दे दिया था, तो कस्टमर का आज कॉल आया था, एयरपोर्ट मैंने ड्रॉप कर दिया है और आज का मेरा अर्निंग टोटल हुआ है 1600 रुपये का अर्निंग हुआ है टोटल। 4 ट्रिप मैंने ओला और उबेर में मैंने कम्प्लीट किया, 1 ट्रिप ओला में कम्प्लीट किया है, वो पेमेंट मुझे मालूम नहीं है, जो भी है मैं स्क्रीन शॉट लगा दूँगा। और 3 ट्रिप मैंने उबेर में कम्प्लीट किया है और ये पर्सनल ट्रिप है 550, ऐसा मिला के आज का मेरा टोटल 1600 रुपये का अर्निंग हुआ है और मैंने 550 रुपये का CNG डलाया हुआ है। अभी CNG आधे से ऊपर मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।